मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जिला महिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश को महिला अपराधों से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर रोक लगाने में सरकार असफल साबित हुई है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने की भी बात कही। पांच युवा लड़के और लड़की की हत्या कर दी गई, उनको गाड़ दिया गया। एक महीने तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। जो लड़कियां हैं उनके तन पे कपड़े नहीं थे। रेप की आशंका है, जिसकी कोई जांच सरकार ने या पुलिस ने नहीं की। सीबीआई जांच उस मामले की होना चाहिए। और अलग अलग प्रकरण आ रहे हैं, अलग अलग जगह चार बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ है। दो गैंगरेप ऐसे हुए कि दो बार गैंगरेप, ये आज तक नहीं सुना, ग्वालियर में और एक जगह और। ये सरकार कर क्या रही है, ये क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? सतना के अंदर इस तरह की घटना होती है, अलीराजपुर और धार के अंदर बच्चियों के साथ मारपीट होती है। आखिर हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है सरकार? मध्य प्रदेश के अंदर चाहे मुरैना हो, ग्वालियर हो, भोपाल हो या खंडवा हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये सरकार को कहीं न जगाने के लिए आज का धरना है।